दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट क्रिएट करते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे आप शॉर्ट्स डालते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो और आपको ये पता ही नहीं कि कौन सा शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज होता है, कौन सा शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज नहीं होता है, और आप वीडियो डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा, तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका शॉर्ट जो चैनल है, जो आप वीडियो डाल रहे हो, वो चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका रियूज कंटेंट तो नहीं है, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के लिए एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल में, मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्या शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में क्लियर किया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मुझे उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि संजय भाई, आप मेरा चैनल चेक करके बताइए, मैं शॉर्ट्स क्रिएट करता हूँ, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे चैनल पर एक गलती देखने को मिलता है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वो गलती करते हो तो आपका शॉर्ट जो चैनल है उससे आप पैसा कभी कमा नहीं सकते हो, कभी भी आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस एक गलती के बारे में जो आपको कभी नहीं करना है अपने शॉर्ट्स चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आकर के वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई फेक चीज़ और कोई फालतू का चीज़ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने चैनल पे शॉर्ट्स डालते हो और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ शॉर्ट्स वीडियो आपको साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप इस टाइप का शॉर्ट्स बनाते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब अगर आप किसी के फुल वीडियो में से कोई पार्ट कट करके वहाँ पे अपलोड करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, पैसा कमा सकते हो, मैं आपको तरीका बताऊँगा, लेकिन मोनेटाइज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वही बताऊंगा, ठीक है, क्लियर करूंगा सारा कुछ इस वीडियो में, डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों का जो है टेंशन है दिमाग में, क्लियर नहीं कोई करता है। बड़ा यूट्यूबर जो बन गया है ना, वो क्लियर नहीं करता ये चीज़ सब, तो मुझे कमेंट आता है, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप पैसा कमा सकते हो शॉर्ट से, कैसे कमाओगे वही बताऊँगा, लेकिन आपका चैनल जो है ना मोनेटाइज नहीं होगा, आपके चैनल पर ऐड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो, किसी के वीडियो में से कोई पार्ट क्लिप वहाँ पे कट करके अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रियूज कंटेंट है, किसी का वीडियो पहले अपलोड हुआ है, वहाँ से आपने वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड किया अपने चैनल पे, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि वो रियूज्ड कंटेंट है। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब एक्टर सबका जो है वहाँ पे फोटो लगा देते हैं, या तो भगवान का ही फोटो लगा देते हैं, और वहाँ पर सॉन्ग लगा देते हैं और स्टेटस बनाते हैं, तो स्टेटस जो बना के डालते हैं शॉर्ट्स में, वो भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो भी रियूज्ड में आ जाएगा। मतलब अगर आप अपना शॉर्ट्स चैनल बना के और शॉर्ट को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद का अपना वैल्यू, अपना वीडियो बनाना पड़ेगा, अपना साउंड उसमें होना चाहिए, कोई किसी का वहां पे यूज नहीं होना चाहिए, फिर आपका शॉर्ट्स चैनल जो है वो भी मोनेटाइज होगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कंडीशन है, अगर आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होता है और शॉर्ट्स फीड से आपको जो वॉच टाइम मिलेगा वो काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए, जो 4000 आवर का जो वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है उसमें आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ब्राउज फीचर से कोई देखता है, अगर कोई सर्च करता है और वहां पर आपका शॉर्ट वीडियो पहुंच जाता है, जो आपने खुद से बनाया है, खुद का आवाज दिया है, खुद का वीडियो है, तो आपका वहां से वॉच टाइम भी काउंट होगा मोनेटाइजेशन के लिए, और आपका वो चैनल मोनेटाइज भी होगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ तो क्लियर कर दिया कि आपका किसी का और का वीडियो में से पार्ट बना के वहाँ पे अपलोड करते हो, शॉर्ट्स बना के अपलोड करते हो, वो मोनेटाइज नहीं होगा। खुद का वीडियो होना चाहिए और वो ब्राउज फीचर से या तो सजेस्टेड से या तो कोई सर्च करके देख रहा है, तो उसका घंटा जो है ना वॉच टाइम वाला वो वहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी और का वीडियो में से आप शॉर्ट्स निकालते हो, उसको अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो उससे क्या पैसा कमा सकते हो? हाँ, पैसा कमा सकते हो, आपको शॉर्ट फंड मिल सकता है। अगर आप किसी के वीडियो में से पार्ट कट करके अपने चैनल पे अपलोड करते हो और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, तो एक शॉर्ट फंड का यूट्यूब के तरफ से जो है निकला हुआ है, 2022 तक पूरा चलेगा, तो वो आपको वहाँ पे $100 से लेके $10,000 तक आपको मिल सकता है। तो अगर आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाता है, किसी के वीडियो में से कोई पार्ट आपने कट कर दिया और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और वायरल हो जाता है, तो आपको शॉर्ट्स फंड मिलेगा। $100 से लेकर के $10,000 तक आपको शॉर्ट्स फंड मिलेगा, जो आपके एड्स पे ही आएगा, फिर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका वो चैनल अच्छे से चलने लगता है, जो आप किसी के वीडियो में से कोई पार्ट निकाल के शॉर्ट्स डालते हो और वो चैनल चलने लगता है, तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा।
ठीक है, स्पॉन्सरशिप मिलेगा, आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोनेटाइज अगर करना है तो आपको खुद का ही शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका खुद का ही वॉइस होना चाहिए, खुद का ही सब कुछ होना चाहिए, वहाँ पर यूज कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब जाकर के आपका मोनेटाइज हो जाएगा, जब वो ब्राउज फीचर से, सजेस्टेड से या तो यूट्यूब सर्च से वॉच टाइम आएगा, तो वो जो स्क्रॉल करके शॉर्ट्स फिर से देखते हैं ना, वहाँ का वॉच टाइम आपको नहीं जुड़ेगा। तो बस मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कॉमेंट करके बताएगा, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूँगा, ठीक है। मेरा काम ही है बस आप सभी को हेल्प करना, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जो बैठे हैं ना, वो इस चीज़ सब पे वीडियो नहीं बनाते, बहुत सारे लोगों को डाउट है लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं करते हैं। तो मेरा काम है मैं आप सबको वहाँ पे क्लियर करूँ, आंसर करूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।